दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थमेटिक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की कक्षा अभिज्ञान एएमसी में। आज हम सीखने वाले हैं पेंट ब्रश, पेंटिंग कैसे करते हैं। अब पेंटिंग कोई ये नहीं है कि कोई भी एक कि पेंटिंग क्या है। पेंटिंग ये है कि माउस को चलाने का सही तरीका, जो हम माउस चलाते हैं उसको चलाने का एकदम बेस्ट तरीका जो होता है कि हम आगे कोई भी डिजाइनिंग का वर्क सीखें या माउस को प्रॉपर तरीके से चलाने का तरीका जो बेस्ट सिखाता है उसका नाम है पेंट ब्रश। पेंट ब्रश में हम इतने सही तरीके से माउस चलाने लगते हैं, बस कुछ नहीं है, एक और दो दिन का है, उसको थोड़ा सा सीख लीजिए, उससे आपको जो माउस चलाओगे आप बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। माउस पकड़ने का तरीका, माउस चलाने का तरीका और ध्यान इतना सही हो जाएगा कि आप उसके अंदर ऐसा लगेगा घुसने वाले हैं कि छोटी सी लाइन ड्रॉ करने में, कुछ एक चित्रकारी करने में, डिजाइन बनाने में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि ये मैंने वर्ड में लिख रखा है पहले, जैसे कि पहले जाएंगे स्टार्ट, स्टार्ट से जाएंगे ऑल प्रोग्राम, प्रोग्राम के बाद में जाएंगे एसेसरीज और एसेसरीज के अंदर जाएंगे पेंट और यहां से इंटर करेंगे। तो देखते हैं स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ये रहा, यहाँ पर क्लिक किया हमने, फिर ये एसेसरीज बोल रहा है तो एसेसरीज के अंदर गए, फिर यहाँ से ये पेंट ब्रश बोल रहा है, ये देखिए ओपन हुआ। अब इस पेज को यहाँ से पकड़ के अपने वर्किंग के अनुसार बड़ा कर लीजिए, एक तरीका, क्लोज कर दीजिए यहाँ से। दूसरा तरीका बोल रहा है स्टार्ट और रिसेंटली टूल बार। अब ये क्या होता है, ये जो स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करा, ये जो जितनी भी जो बार दिख रही है आपको, ये रिसेंटली टूल बार है, मतलब जो अभी आपने काम किए थोड़ी देर पहले या जो फाइल आपने क्लोज की हुई है उनको। तो देखो यहाँ पर ये टाइपिंग मास्टर, पिकासा, जीएसटी टूल, स्नैपिंग टूल और पेंट, ये देखो ये आ गया, यहाँ पर क्लिक करी ये डायरेक्ट ओपन हो गया। दो तरीके। अब चलते हैं शॉर्टकट की तरीका। विंडो बिन, बिन मतलब ये विंडो है, विंडो बटन जिसमें कुछ लिखा नहीं रहता है, बॉक्स जैसा एक बना होता है, प्लस आर और उस बॉक्स के अंदर लिखना है एमएस पेंट और इंटर करना है। तो चलिए देखते हैं, मैंने यहाँ पर विंडो बटन प्रेस करी है और आर प्रेस करा है। विंडो ये वाली बटन कीबोर्ड में दिखती है, इसको ही विंडो बटन बोलते हैं। इस पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर वो लिखने को बोल रहा है एमएस पेंट, मैंने उसमें गलत लिख दिया है, यहाँ पर मैं ठीक कर देता हूँ, पहले मैंने एस एम कर दिया, एम एस पेंट, एम एस पेंट लिखना है। तो यहां से विंडो के साथ में आर प्रेस करा हमने और एम एस पी ए आई एन टी, देखो यहां पर एम एस पी ए आई एन टी और इंटर कर दो या ओके कर दो, ओके कर दीजिए। ये देखिए हम जितने भी सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं सबको शॉर्टकट तरीके से सीखने वाले हैं। यहां से हमने इसको क्लोज करा। तो ये तीन बेसिक तरीके हुए एम एस पेंट को स्टार्ट करने के। तो यहाँ से हमने एमएस पेंट को स्टार्ट कर लिया, पेंट ब्रश को, पेंटिंग को स्टार्ट कर लिया है। अब जैसे ही हम कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको क्या मतलब, एक पहले कंप्यूटर की विंडो आती थी, अब आने लगी है एमएस पेंट की विंडो। तो ये जो विंडो है ये पूरी को एमएस पेंट, पेंट विंडो बोलते हैं। इसमें जो सबसे ऊपर वाली पट्टी है, देखो ये मैं जा रहा हूँ, ये पूरी पे धीरे 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 माउस पॉइंटर को चला रहा हूँ मैं, इधर ये तीन बटन और ये इधर ये नाम लिखा हुआ, ये जो नाम लिखा है इसको हम बोलते हैं बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट नेम ऑफ पेंट ब्रश, पेंट ब्रश का डिफॉल्ट नेम। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है डिफॉल्ट नेम ऑफ पेंट, यहाँ लिखा है अनटाइटल्ड पेंट और बिट मैप पिक्चर, मतलब इसका जो नाम है वो अनटाइटल्ड। अभी अनटाइटल्ड क्या है, ये जो लिखा है अनटाइटल्ड पेंट, ये सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट नेम है। डिफॉल्ट नेम मतलब होता है चेंजेबल, मतलब मैं कोई भी सॉफ्टवेयर को पहली बार यदि स्टार्ट करता हूं तो उसके जो सेंटर में या लेफ्ट में, ध्यान दीजिएगा, सेंटर में या लेफ्ट में जो नाम आता है उसको हम डिफॉल्ट नेम बोलते हैं। कभी भी लेफ्ट में या सेंटर में जो नाम आता है सबसे ऊपर वाली बार, टाइटल बार इसको बोलते हैं, उसमें लेफ्ट में या सेंटर में जो नाम आता है उसको हम डिफॉल्ट नेम बोलते हैं। उस डिफॉल्ट नेम का, सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग डिफॉल्ट नेम है और वो डिफॉल्ट नेम चेंजेबल होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं हमारे अनुसार। जैसे कि अभी पेंट ब्रश लिखा हुआ, मैं उसमें अपना नाम डाल दूंगा अभी या डेट डाल दूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा वो। तो ये उसको हमको चेंज करने के लिए रहता है, ये एम एस पेंट। अब बात करते हैं, ये पूरी पट्टी को टाइटल बार बोलते हैं, जिसपे फिर अब लेफ्ट में, राइट में, राइट की बात करते हैं। तो राइट में हमेशा ध्यान दीजिएगा तीन बटन आती हैं, पहली होती मिनिमाइज, देखो उस पर वो दिखा रहा है मिनिमाइज दिखा रहा है, तो मिनिमाइज कर देंगे हम। अब कंप्यूटर क्या, हमारा मल्टी यूजर प्रोसेसर है,
मल्टी यूजर, देखो नीचे टास्क बार जो मैंने पहले बता चुका हूँ, इससे पहले वीडियो बनाया उसमें, कि ये पूरी को रनिंग टास्क बार बोलते हैं, स्टार्ट टास्क बार, रनिंग टास्क बार और नोटिफिकेशन टास्क बार, वहां का हाइड हो गया। अब मैं दो बार उस पर क्लिक करूंगा तो वो अनहाइड हो जाएगा, वापस आ गया। फिर दूसरे नंबर पर आती है हमारी रीस्टोर डाउन। देखिए भाई और दोस्तों, अधिकतर यहाँ गलत गलती करते हैं पढ़ाने वाले भी और पढ़ने वाले भी, इसको मैक्सिमाइज बोल देते हैं वो, ये मैक्सिमाइज नहीं है, इसको पहली कंडीशन रीस्टोर डाउन कहलाती है। पहली कंडीशन क्या कहलाती है? रीस्टोर डाउन। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, हमारा कंप्यूटर क्या है, मल्टी यूजर प्रोसेसर है, इसको छोटा कर लिया। अब मेरे को स्क्रीन से कुछ बनाना है तो मैं स्क्रीन से देखकर कुछ भी ड्रॉ कर लूंगा, कुछ भी यदि मेरे को बनाना है तो मैं कोई भी चित्रकारी यहां से देखकर बना लूंगा। तो ये क्या हो गया कि ये क्या हो गया मेरा माउस वो रिस्टोर डाउन। अब जब सेकेंड कंडीशन है, अब देखिए, अब ध्यान से देखो उसको, अब बोल रहा है वो मैक्सिमाइज, तो आप पहली गलती कर चुके हैं, तो अब उस पर हम क्लिक करेंगे तो बड़ा होएगा। ये देखो बड़ा हो गया है, मैक्सिमाइज हो गया है। और लास्ट वाली अब सबको पता है क्लोज, यहां से कैंसिल करेंगे, डू नॉट सेव, ये कैंसिल हो गई। वापस हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो मतलब सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार हो गई, जिसके लेफ्ट में या सेंटर में जो नाम आता है उसको डिफॉल्ट नेम बोलते हैं, जो कि चेंजेबल होता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। राइट में तीन बटन आती हैं, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और रिस्टोर डाउन को ही मैक्सिमाइज और क्लोज। इसके बाद में बात करते हैं, ये जो दूसरी पट्टी आती है इसको मेन्यू बार बोलते हैं। अब ये मेन्यू बार क्या होते हैं, जैसे कि हम कहीं कुछ कार्य करते हैं तो उसकी डिटेल आती है, जैसे कि होटल में जाते हैं तो एक बुक देता है, उसके एक पेज पे चपाती या रोटी का लिखा होता है, दूसरे पे कर्ड का, आइसक्रीम का, राइस का, के फ्राई राइस चाहिए, के तड़का चाहिए, क्या चाहिए, मतलब उस तरीके से ही ये है। जैसे कि होम मेन्यू पे क्लिक करा तो क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, सेव, इसके आए। व्यू पे क्लिक करा तो व्यू पे जूम, जूम आउट, जूम इन, सो, हाइड एंड रूल एंड डिस्प्ले, मतलब ये सारी चीजें आई, तो इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये टूल बार हो गए हमारे, ये जो कलर बार लिखा है कलर बार हो गई, ये पूरे इस जो दिख रहा है हमारे को, ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ से, ये पूरा हमारा पेज हो गया। ये स्कॉलर बार हो गया जिससे मैं पेज को ऊपर नीचे कर लाऊं, ये राइट हैंड पर, ये हॉरिजेंटल स्कॉलर बार है पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, ये नीचे दिया हुआ है, ये वर्टिकल है हॉरिजेंटल है सॉरी, और ये जो लेफ्ट में जो खड़ा हुआ कॉलम जैसा, ये वर्टिकल है, और ये जो आड़ा है बीम जैसा, ये वर्टिकल हॉरिजेंटल है। ये दोनों स्कॉलर बार हैं, ये पेज को लेफ्ट और राइट करने के लिए, और ये जो वर्टिकल है इस पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। इसके नीचे देखो, यहाँ पर ये माउस की पोजीशन और ये सभी कुछ दिखा रहा है। ये देखो मेरा माउस कहाँ चल रहा है वो दिखा रहा है पहले, फिर 2.5 × 1 px दिखा रहा है, 10, 18, 55, 56 दिखा रहा है, यहाँ पर ये 100% प्लस जूम आउट जूम इन दिखा रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। मतलब इस सॉफ्टवेयर की, सभी सॉफ्टवेयर के स्टेटस बार, मतलब टास्क बार के ऊपर की जो पट्टी होती है, जैसे सबसे नीचे वाली टास्क बार है, उसके ऊपर वाली पट्टी को हमेशा हम टास्क बार के ऊपर वाली पट्टी को स्टेटस बार बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेटस बार मतलब सारे सॉफ्टवेयर की स्टेटस दिखाता है, पेज कितने हैं, शब्द कितने लिखे हैं, तो टास्क बार की ऊपर वाली बार स्टेटस बार, और सबसे ऊपर वाली बार टाइटल बार, मेन्यू बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। तो इस तरीके से उसे डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कंट्रोल प्लस एस करते हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्लस एस करा इसको, तो यहाँ पर एक सेव करने पे तो डॉट पीएनजी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो इसका नाम है बाय डिफॉल्ट वो होता है बिटमैप, ये देखो डॉट बीएमपी, और इसको मिनिमाइज करते हैं हम। अब मैंने वर्ड में सब कुछ दे रखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि इस यहाँ से देखो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट ने डिफॉल्ट नेम ऑफ पेंट, अनटाइटल पेंट और एक्सटेंशन नेम जो है जिससे इसकी पहचान होती है कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर से बाय चांस, इसको छोड़ दो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है उसको आपने इंस्टॉल करा, उसकी फाइल बनाई, वो बाय चांस करप्ट हो गया या डिलीट हो गया, अनइंस्टॉल हो गया, उसकी फाइल आपने बनाई थी वो सेव है, तो वो फाइल आप उसकी पहचान कर सकते हो। जैसे डॉट बी एम पी लिखा है समझ जाइए कि पेंट ब्रश की है, डॉट डी ओ सी एक्स लिखा है मतलब 2007 वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 की फाइल है, तो ये इसकी पहचान के लिए एक्सटेंशन नेम होता है डॉट बी एम पी, हमेशा डॉट से स्टार्ट होते हैं ये, और बाय डिफॉल्ट नेम तो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करोगे तो उसके लेफ्ट में या सेंटर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा बड़ा बन रहा है इसलिए हम इसको यहीं रोकेंगे। जय हिंद, जय भारत।